डेब्यू एंड डेब्यू डायरेक्टर, ये तो मल्टी टैलेंटेड है, इनकी बातें तो हम बाद में करेंगे। तो कोई बताइए, तो सुबह से हम सभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल की ब्लेसिंग के बाद, अब क्या कुछ फीलिंग है आप लोगों की? काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं वहाँ जाने के बाद, काफ़ी पहली बार मैं गोल्डन टेम्पल, पहली बार पंजाब आई हूँ इनफैक्ट, और गोल्डन टेम्पल जाने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर जाके विश करी है हमने कि फिल्म अच्छी हो, फिल्म अच्छे से रिलीज़ हो जाए, और क्यों हंस रहे हैं? जी वहाँ से निकल के सर लस्सी पी ली मैंने 3 गिलास, अभी तक पचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन द वे होप आई होप चंडीगढ़ पहुँचने से पहले पच जाए, नींद आ रही इसी वजह से। और 3 गिलास हो जाएगी, और 3 गिलास हो जाएगी। तो बताइए कि एज एन डेब्यू डायरेक्टर क्या कुछ फीलिंग है प्रेजेंट टाइम पे आप, क्योंकि आप फिल्म जल्द ही कुछ दिनों के बाद रिलीज होने वाली है, आपके भाई जो है पिग नाम है। जी जी खुशी है इस बात की कि फाइनली जो हमारी जितने सालों की मेहनत जो है वो सामने आएगी लोगों के, और ये एकदम जायज़ बात है कि वो उनको अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, पर एटलीस्ट क्या होता है कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक आपके ख़ुद के लिए एक अच्छी बात होती है, क्योंकि एक रियलिटी चेक होती है, आप अपने काम में अच्छे हो बुरे हो आपको ख़ुद समझ में आ जाता है, लोग जनता बता देती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके, तो इम्तियाज़ जी सब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी फिल्मों में बैकग्राउंड इसी तरह से लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल, आपके पीछे देखिए कुछ जो नज़ारा दिख रहा है, बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है आपकी, मतलब ऐसी कुछ मेमोरी ऐसी कुछ ताज़ी होती है आपकी देख के ऐसे? हाँ, जब ऐसी सिचुएशन में आता हूँ, अगर आप चाहें तो पूरा कैमरा घुमा सकते हैं हमारे साथ साथ, आइए आइए, वो जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, आप लोग ज़रा हट जाना, ये वाले ग्रीन वाले खेत भी देख लो भाई, ये भी देख लो, हाँ ये भी देख लो, है ना, ये भी देख लो, बहुत सारे लोकेशन से हम लोग घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात ये है कि ऐसे सिचुएशन में जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हरियाली है जो नेचर है इससे आपकी समहाउ यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। आज का दिन वैसे भी हम सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इट स्टार्टेड ऑफ विद द गोल्डन टेम्पल, हम गए वहाँ माथा टेकने, तो इट्स अ वेरी बहुत ही स्पेशल लग रहा है हमें यहाँ पर। हाँ, और मैं कब से देख रहा था कि आप बस में से ट्राई कर रहे थे, कोई ऐसा ब्यूटीफुल लोकेशन हमें देखने को मिले जहाँ पर हम सभी साथ में नींद को खुलाए चालू करें जगाएं और ऐसा इंटरव्यू करें। जी हाँ जी, तो अब चलिए आपके थोड़ा बहुत अब आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा कि लैला मजनू, हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी सुनी है बचपन से लेके अब तक, अब जी जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, आज की लैला एक नंबर की फ्लर्ट है, वो अटेंशन सीकर फ्लर्ट, उसे मज़ा आता है अपने पीछे लड़के घुमाने में, उनमें से है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना लोग, अपनी तस्वीरें खींच के अपने आप को घूमती रहती है और मज़ा आता है उसे, हाँ घूम रहा था, हाँ लड़के घुमाने में मज़ा आते हैं, तो उनको आदत हो गई है घूमने की, और इतनी बड़ी लव स्टोरी का हिस्सा है पर शायद उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता, उसे बस चाहिए कि कोई बॉयफ्रेंड हो उसके साथ जिससे वो मीठी मीठी बातें कर पाए और घुमा पाए उसे अपनी बातों में, बस मजे करना मजे लेना चाहती है जिंदगी। श्रीनगर के सारे लड़के दीवाने थे जिसके, हाँ, उसका मैं कैसे दीवाना नहीं बनता सर, ये अलग बात है कि मैं वो लकी आदमी था जिसकी ये दीवानी बन गई, बाजी मैंने मार दी है, और ये सारे मजनू को सीखना पड़ेगा कि ये नए ज़माने के जो मजनू हैं ना उनको ये थोड़ा ट्रिक समझना पड़ेगा कि लैला जितना भी घुमा ले इवेंचुअली कैसे वो फिल्म में लगेगी, ये किस तरह की बनाई गई होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।